तलवारों के साय पर इतिहास हमारा पलता है। जी हाँ मित्रों, तलवारों के साय पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ये जमाना चलता है। नमस्कार मित्रों, अगर आप को ईडी में हम अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, जैसे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो आपका एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, यानी जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, अभियांत्रिकी जो आपकी ड्राइंग है, आरेखन है, उसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रोजेक्शन का। आप कहोगे भैया प्रोजेक्शन तो हम क्लास में भी पढ़े हुए हैं, आप एक्स्ट्रा क्या बताने वाले हो। तो देखिए मैं आपको एक चीज पूरा आशा दिलाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये आपका फर्स्ट वीडियो है, लेकिन फर्स्ट वीडियो में आपका जो डाउट है सारा क्लियर कर दूंगा। क्योंकि आप लोग को पता है जो आपका प्रोजेक्शन होता है वो 25 से 30 नंबर का आता है, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसके बाद में आपको हम स्केल भी बताएंगे। उसके पहले मित्रों मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप ये प्रोजेक्शन देख सकते हो, मैंने क्या है इसी स्केल से बनाने के माध्यम क्या बनाने का क्या है यूज किया हूं, लेकिन आपके पास MD है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पर जब जाते हो तो वहीं से क्या है आप अच्छे से हर चीज को 90 डिग्री एंगल मानते हुए आपको कर सकते हो। आपका जो MD होता है वो इस तरह होता है, मेरे पास भी था है जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोजेक्शन है, मैं 3D में बनाने की कोशिश की है, हालांकि आपको मैं स्क्रीन शॉट उसका जो है लगा दे रहा हूं, तो आप इस चीज को आसानी से देख सकते हो। देखिए जो प्रोजेक्शन होता है उससे आपको तो हम हर चीज बताएंगे, कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करना है। उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहूंगा, मैं 2018 से लेकर 21 के मध्य में पॉलिटेक्निक कर चुका हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तथा अगर आप मेरे ईडी में मार्क्स देखोगे तो क्या है 43 मार्क्स हैं। जी हाँ दोस्तों 43 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 60 मार्क्स होता है, जिसमें से मेरे 43 मार्क्स हैं। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है लेकिन एक एवरेज मार्क्स है। लोग पास तो हो जाते हैं 17 नंबर, वो 20 नंबर में भी पास हो जाते हैं, 21 में पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज उठाना चाहते हो तो आप ईडी के जरिए ही परसेंटेज उठा सकते हो। मैथ होगा, ईडी होगा, इन सब में आपका जो अच्छा परसेंटेज बन सकता है। तो मित्रों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी था, जिसको नहीं ज्वाइन किए हो, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। देखिए ईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंट्रल लाइन ड्रा करना होता है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल, इसी स्केल का हम माध्यम का यूज करेंगे। तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है लेकिन आपको इक्रोइड बनाना होगा इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल लाइन ड्रा करना होगा। देखिए सेंट्रल लाइन आप कैसे ड्रा कर सकते हो, ये चीज आपको क्या है दोस्तों ध्यान देने योग्य चीज है ना। देखिए सेंट्रल लाइन कैसे ड्रा करते हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि ये आपका चार्ट है, इतना बड़ा हम क्या है इसको मान लेते हैं कि ये आपका चार्ट है, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा आपका चार्ट है। इसी में क्या है आपको प्रोजेक्शन बनाना है, इसी में आपको क्या है दोस्तों प्रोजेक्शन बनाना है, ये आपका है चार्ट है। यहाँ पर आप अपना नेम वगैरह लिखते हो, लेकिन एग्जाम हाल में आपको नेम वगैरह नहीं लिखा जाता है। जब आप चार्ट बनाते हो तो आपको कहा जाता है एक नीचे टाइटल में लिखने के लिए, मुझे उसका एग्जैक्ट नेम नहीं याद आ रहा है, उसी में लिखना होता है। देखिए सबसे पहले आपको सेंट्रल लाइन ड्रा करना है, सेंट्रल लाइन सबसे पहले देखिए वर्टिकली आपको ड्रा करना है। जब आप MD उधर रखकर सेट करोगे तो ये हमेशा क्या होगा अच्छे से ड्रा हो जाएगा, है ना, अच्छे से इसको ड्रा करना होगा। ऐसे ऐसे सेंटर लाइन आपकी हो गई, ऐसे करके आपको तीन लाइन ड्रा करना होगा, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा थिन करना, बहुत पतला पतला हल्का हल्का ड्रा कर, बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको क्या है दोस्तों तीन लाइन ड्रा करना होगा, अच्छे से देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी आपको तीन लाइन ड्रा करना होगा। जैसे मान लीजिए ये पहली लाइन आपने ड्रा किया, ये आप 5 सेंटीमीटर दूरी पर, 5 सेंटीमीटर, जी हाँ 5 सेंटीमीटर कर रहे हो, तो इसके जो बगल वाली लाइन करना है ये भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, है ना, ये भी क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब ऐसे आपने क्या है आपको एक हॉरिजॉन्टली कर लेना, ड्रा कर लेना है, है ना, जल्दी जल्दी करना है आपको। पहले देखिए कैसे आप सीख सकते हो, ये चीज आपको देखना, अगर आप ऐसे वीडियो को देखोगे और छोड़ दोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे, लेकिन जैसे आपने एक बार इसको देखा उसके बाद में अच्छे समझ लिए, फिर वीडियो को रोक रोक कर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये छोटा प्रोजेक्शन है, आपके एग्जाम में इसे टफ भी आ सकता है और ऐसे भी प्रोजेक्शन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको पहले इस चीज वीडियो को, पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है, फिर आपको दोबारा वीडियो को प्ले करना है और आपको एक लाइन खींचना है, फिर रोक, बीच में रोक रोक कर साथ में आपको बनाना होगा, फिर ऐसे क्या करना है आपको ये लाइन खींचना है, ये भी 5 सेंटीमीटर पर खींचना होगा आपको, है ना। चलिए आप क्या है इस चीज को अच्छे से खींच लीजिए, ये थोड़ा सा आपको क्या है
अच्छा नहीं लग सकता है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जब पहले दिन करोगे तब आपको टाइम लगता है, उसके बाद में क्या है आपको टाइम नहीं लगेगा। अच्छा आपको कि भैया हमारे कॉलेज में एक ही लाइन खिंचवाया गया है, आप तीन लाइन क्यों खिंचवा रहे हो, है ना, इसका मतलब क्या है? तो देखिए हम इसलिए खिंचवा रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में दो, एक तो आपका ये हो गई सेंट्रल लाइन या मेन लाइन हम कह सकते हैं, एक है इस पर आपका प्रोजेक्शन बन जाएगा, इस पर प्रोजेक्शन बन जाएगा, उसके बाद में आपका जो लाइन बचेगा उसे हम इरेज भी कर सकते हो, हालांकि इरेज हम लोग नहीं करते हैं, इरेज करना गलत होता है क्योंकि हमारी जो सीट है वो फिर क्या हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। और हमें एक चीज पता है प्रोजेक्शन में जब हम लोग बनाते हैं तो हमारी जो ड्राइंग सीट है वो क्या है, गंदी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्या है इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज आपके कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा, इससे हम लोग क्या है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानते हैं, क्या मानते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में क्या होता है फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल में ही प्रोजेक्शन बनते हैं। तो देखिए हम इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मानते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फ्रंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये तो टॉप हमेशा ही होगा, ये हमेशा क्या होगा टॉप होगा, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं एस फॉर साइड मान लेते हैं, तब आप क्या है इस चीज को अच्छे से क्या है समझ सकते हो, है ना। तो ये आप क्या है इसको साइड मानना होगा, इसको फ्रंट मानना होगा, इसको क्या है टॉप मानना है। और हम इसको फर्स्ट एंगल में जब हम लोग बनाते हैं तो आपको पता है फर्स्ट एंगल में क्या होता है, मान लीजिए आप ऊपर फ्रंट बना रहे हो, ये क्या होगा हमारा फ्रंट हो गया, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एफ फॉर हमारा क्या हो गया फ्रंट हो गया, अच्छे से आप देखिए इस चीज को। और फ्रंट के नीचे ही हमारे हमेशा टॉप बनता है, थर्ड एंगल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तब आप कैसे बनाओगे वो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट एंगल में क्या होता है हमेशा ऊपर फ्रंट बनता है, नीचे क्या बनता है टॉप बनता है। और जिस साइड से हम लोग साइड देखते हैं, जिस साइड से हम लोग साइड देखते हैं उसी साइड में उसके अपोजिट साइड में हमारा साइड बनता है। आप नहीं समझे दोबारा बता दूं, जैसे आप इस साइड से साइड देख रहे हो तो जो आपका साइड बनेगा इसके इस साइड बनेगा, आप अगर इस साइड से देखते तो आपका जो साइड बनता इस साइड बनता। अब आप लोग कहोगे भैया साइड हम देखिए आप कहाँ बना सकते हो, मान लीजिए आप फ्रंट यहाँ बना रहे हो तो साइड आप इधर बनाओगे, है ना। तो देखिए जो हमेशा साइड होता है वो फ्रंट के बगल में ही बनता है, और आप इस साइड से देख रहे हो तो जो आपका साइड बनेगा वो इस साइड नहीं बनेगा, इसके अपोजिट साइड बनेगा, यानी इधर बनेगा, यानी कि इस साइड में बनेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, फ्रंट हमेशा ऊपर बनता है, फ्रंट के नीचे टॉप बनता है, जिस साइड से आप साइड देखते हो उसके अपोजिट साइड में आपका साइड बन जाता है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि कहां पर कौन बनता है। थर्ड एंगल में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो ऊपर फ्रंट नीचे टॉप, और उसके जिस साइड से आप देखते हो उसके अपोजिट साइड। अब आप लोग इसे बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप अच्छे से प्रोजेक्शन बना लेते हो और अगर आपने इस चीज को कहां पर साइड बनेगा, कहां पर टॉप, कहां पर फ्रंट बनेगा, अगर आप ये गलती करते हो तो शायद आपका जो मार्क्स है वो जीरो कर दिया जाएगा, है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर साइड कहां पर टॉप बनेगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप चाहे टॉप बनाइए चाहे फ्रंट बनाइए, तो हम क्या है सबसे पहले फ्रंट बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए जब आप फ्रंट में अच्छे से दोस्तों देखोगे तो फ्रंट में आपके क्या क्या चीजें दिख रही हैं, फ्रंट पे जब आप देखोगे अच्छे से तो मैं इसे क्या है डार्क कर रहा हूं, आप देख सकते हो फ्रंट में जब आप देखोगे तो ये चीज आपका दिखेगा, फ्रंट में ये चीज दिखेगा, फ्रंट में हमेशा आपका ये चीज दिखेगा और फ्रंट में ये चीज दिखेगा। ये चीजें तो टॉप में दिखेंगी, है ना, ये चीजें टॉप में दिखेंगी, यानी फ्रंट में आपका ये दिखेगा, फ्रंट में ये दिखेगा, फ्रंट में ये दिखेगा। अब आप कहोगे दिख तो रहा है हमको लेकिन डिस्टेंस कैसे पता करें, तो कुछ डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ डिस्टेंस आपको क्या है जोड़ घटाकर निकालना होगा, ये चीज आपको क्या है ध्यान देने होगा है। देखिए फ्रंट या फ्रंट में ये चीज हमारी बन गई। अब आप कहोगे कि भैया हम कैसे बनाएं, तो एक चीज आप अच्छे से देखिए दोस्तों, यहां पर आप अच्छे से देखिए ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, यहां पर 7 है, यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है ये 7 है, और इधर देखिए आप ये आपकी कितनी हो गई, इधर देखिए ये आपकी हो गई 7, ये 7, ये 7, तो ये एक स्क्वायर लग रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा,
नहीं तो आपके एग्जाम में दिया भी रहेगा। तो ये सेवन हो गया और इसी के ऊपर ये स्थित है तो ये सेवन, और इसके ऊपर स्थित है तो ये सेवन। ये आपको नहीं देखना है, ये आपको क्या है दोस्तों, नहीं देखना होगा। तो सेवन एंड सेवन, नहीं समझ में आया आप तो मैं आपको दोबारा बता दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया सेवन हो गया, ये आपका सेवन हो गया, ये आपका सेवन हो गया। फ्रंट से हमको क्या दिख रहा है ये देखिए, फ्रंट से हमको दिख रहा है इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये टू दिया हुआ है, हम इसको देना भूल गए हैं। इसका जो हाइट है ये टू है, तो आपको क्या है ये टू बनाना होगा और इसी टू के ऊपर ये क्या है सेवन है, तो ये टोटल जो हो गया आपका ये हो जाएगा एट हो जाएगा। और ये जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका, इधर से देखिए सेवन और एट, इधर सेवन एट दिया हुआ है और ये हाइट आपकी समान है, तो यानी कि आठ सात क्या हो जाएगा पंद्रह, यानी नाइन इंटू फिफ्टीन का आपका प्रोजेक्शन है वो बनने वाला है ना। तो चलिए एक एक करके हम बना रहे हैं, पहले हम फ्रंट बनाएंगे। तो ये पंद्रह हम क्या कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इजिली हम लोग क्या है कर लेते हैं। मान लीजिए जो आपकी डिस्टेंस है ये क्या है फिफ्टीन है, और ऊपर क्या होगी हमारी मान लीजिए नाइन, आप जब आप करोगे इस एमडी से तो आपका यहाँ आएगा, ये आपने क्या है खींच लिया है ना, ये आपके क्या है ये फ्रंट का हमने बनाया। अब इसमें कुछ चीज आप देखोगे कि यहां पर एक लाइन भी डरा हुआ है, इसकी हाइट कितनी है तो टू सेंटीमीटर है, टू सेंटीमीटर है ना। फिर आप जब आप ऊपर जाओगे, जी हाँ दोस्तों जब आप ऊपर जाओगे तो यहां पर देखोगे इसी के जस्ट ऊपर, इसी के क्या है जस्ट ऊपर आपको एक प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ये लाइन जब आप सामने से देखोगे तो ये लाइन आपस में क्या है टच होती हुई निकलती है, जी हाँ ये टच होती हुई निकलती है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इसी के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, और ये सात इसके ऊपर ये है क्या है सात आ जाएगा, ये क्या है सात आ जाएगा। और इसी के बगल में, जी हाँ इसी के, ये जब आप देखोगे तो इसी से ये क्या कर रहा है कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में मिली हुई है। तो ये इनकी जो हाइट हो जाएगी कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है ये सेवन है और ये इतना फाइव है, तो इतना क्या है ये टू है ना, ये कितना है ये टू है, तो टू से और आपको क्या है मिला देना होगा। तो ये जो फ्रंट था आपका वो क्या हमने बनाने की कोशिश किया, और जो हमारा फ्रंट था वो लगभग में क्या है बनकर तैयार हो गया है। दोबारा समझिए, फ्रंट में हमारा ये दिख रहा था, ये फ्रंट में दिख रहा था, हमने इसको क्या है बना लिया। अब हम बात करते हैं साइड के बारे में। देखिए साइड हमेशा आपका, जैसे देखिए यहाँ पर साइड हम इसको, हाँ यहाँ पर क्या है हम लोग साइड बनाते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर देखिए आपका मिस्टेक हो ही गया। मिस्टेक क्या हुआ, हमें साइड इधर बनाना चाहिए था, क्या है दोस्तों हमें साइड इधर बनाना चाहिए था। तो हम तो चलिए इसके क्या है चेंज कर लेते हैं, हम इसको साइड मान लेते हैं, इसको क्या है हम लोग साइड मान लेते हैं है ना, और ये फ्रंट हो गया। ये चीज आपको क्या है ध्यान रखकर चलना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपको, अब क्या बनाना है आपको, फ्रंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये आप जब इसको अच्छे से देखोगे, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए आप पहले अच्छे से, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपको, तो ध्यान कर लीजिएगा, जो आपका इधर फ्रंट बनेगा इधर साइड बनेगा इसके अकॉर्डिंग है ना। तो देखिए आपको इधर फ्रंट बनाना है, तो फ्रंट में आपका क्या क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये चीज दिखेगा। मैंने आपको समझा दिया ना कि कौन कहाँ पर बनेगा है ना। तो आपका जो इधर से दिखेगा ये फ्रंट में ये दिखेगा, और क्या दिखेगा फ्रंट में, तब जब आप अच्छे से देखोगे तो आपका फ्रंट में ये चीजें भी दिखेंगी, ये चीजें फ्रंट में दिखेंगी, ये चीजें फ्रंट में दिखने वाली हैं। तो इसी चीज को आपको क्या है फ्रंट में बनाना होगा। देखिए ये टोटल का टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो सेवन एंड सेवन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। आप मान लीजिए जो आपकी 14 आया वो यहाँ तक आया, स्केल से 14 हो गया। फिर जब आप अच्छे से देखोगे दोस्तों तो ये आपकी जो हाइट है कितनी हो जाएगी, आपको अच्छे से देखना है, ये टोटल जो हाइट है आपकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ये हाइट टोटल कितनी है 9 है, ये हाइट कितनी है 9 है। तो जो वही 9 था वही हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। और ये अच्छे से देखिए आप, इसकी जो हाइट थी ये कितनी थी 2 थी, तो आपको 2 क्या है इसके पैरेलल में 2 लाना होगा, 2 क्या है लाना होगा।
लेकिन ये देखोगे आपकी ये पूरी नहीं आई हुई, कितने डिस्टेंस से कम हो गई है, तो यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 7 है, इससे एक ये कम है, तो यानी ये कितनी पर आएगी, ये कितने पर आएगी दोस्तों, ये 6 तक ही आएगी, है ना, ये यहाँ तक आएगी। ये देखिए ये ऊपर की तरफ गई हुई है, तो हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर क्या है मिला देना होगा। ये टोटल की टोटल आपकी जो है इधर की इधर हो गई हमारी 7, इधर की एक कम, इधर हो गई 6 हो गई, 6 हो गई, ये हमारी क्या हो गई 6 हो गई। तो ये चीज आपका क्या है, ये बन गया। अब इसके जब आप बगल में देखोगे तो ये ऊपर का भी आपका जो इस चीज है ये मिल जाएगा, और ये इतना जो भाग छूटा हुआ है ये इसी के आपस में क्या है आ जाएगा, ये इसी के पास में क्या है ये आ जाएगा हमारा। तो ये जो आपका फ्रंट है ये बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप के बारे में। देखिए टॉप के लिए आपको ये जो आपका लेंथ है ये 7 है, यहां तक देखिए ये 7 है, और ये क्या है 7 है, तो जो आप टॉप में दिखेगा ये 7 दिखेगा, ये 7 दिखेगा, ये 7 दिखेगा, और ये 7 दिखेगा, तो टोटल टोटल 7 होगा, यानी हमारा टोटल जो होगा वो क्या होगा 14 होगा, 14 होगा, और जो लेंथ होगी वो हमारा क्या होगा 15, यानी कि 14 इंटू ये हमारा 14 का हो गया इंटू 15 का बनेगा, 14 इंटू क्या है 15 का बनेगा। और ये देखिए इधर का हमारा ये फ्रंट दिखेगा, ये क्या है फ्रंट हमारा दिखने वाला है। अब ये फ्रंट कितना 7 डिस्टेंस पर आपको क्या है आना होगा, 7 डिस्टेंस पर आना होगा, और फिर नीचे कितना लाना है आपको, ये 7 लाना हुआ है, 7 लाना हुआ है ना। फिर आपको क्या है 1 लेकर जाना है अंदर की तरफ, 1 लेकर जाना है अंदर की तरफ, और ये आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। ये चीज आप क्या है अच्छे से देख सकते हैं, ऐसे आपका क्या है थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, कि जो स्मार्ट बोर्ड होगा थोड़ा सा चीजें समझाने में क्या है इजी है। उसके बाद में सारा डायमेंशन आपको क्या है देना होगा, जितना जितना डायमेंशन है उतना आपको डायमेंशन देते हुए आपको क्या है सॉल्व करना होगा। उसके बाद में क्या है आपको जो चार्ट है वो छोड़ देना होगा, ऐसे करके हर डायमेंशन को आपको क्या है दर्शाना होगा, जितना भी डायमेंशन है एक का ऐसे हर डायमेंशन को दर्शाना होगा। और देखिए जो एरो बनाते हैं हम लोग, एरो पर अच्छे से ध्यान दीजिए, जैसे आप एरो बना रहे हो तो ये 3:1 का होता है ना, ये 3 होना, ये क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये 1 होनी चाहिए, और इसको क्या अच्छे से आप क्या है प्लेन कर दीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लेक्चर में आपको क्या है थर्ड एंगल समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मित्रों वीडियो को यही पॉइंट करते हैं, तो अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।